नीतीश कुमार बिहार के साइको अटैक में भी जाति खोज कर ले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात, मैं आपके साथ शोभना यादव। कल नीतीश कुमार पटना में प्रधानमंत्री बनने के लिए गोटियां सेट करने में जुटे हुए थे और उसी वक्त के आसपास बेगूसराय में हाईवे पर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। 10 लोगों को साइको किलर ने गोली मारी जिसमें से एक की मौत हो गई। बिहार के गन ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार की सड़कों पर दौड़ती मौत की ये तस्वीर है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे का वक्त था जब सुशासन की सत्ता को चुनौती देने वाले बाइक पर सवार इन बदमाशों ने बेगूसराय जिले में मौत का नंगा नाच किया। देश के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें बाइक पर सवार अपराधियों ने सड़क किनारे अंधाधुंध गोलियां चलाकर राहगीरों की जान ले ली। कई आदमी था अपराधी? 2 आदमी था, मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल नहीं था, हाथ पकड़ कर बैठे। बिहार के इस साइको किलर का क्राइम टाइम समझें तो 4 थाना क्षेत्रों का इलाका, 30 किलोमीटर की दूरी, 40 मिनट तक फायरिंग, 10 लोगों को गोली लगी जिसमें एक की मौत हो गई। मतलब ये कि चलती बाइक से गोलियां बरसाते रहे और 30 किलोमीटर के दायरे में जो भी दिखा उसे निशाना बनाया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक आपको 0 पॉइंट से बताएंगे कैसे साइको किलर ने सनसनी मचाई। यही वो जगह है कल जहां पे गोलीबारी हुई है। ये रोड सीधा समस्तीपुर की तरफ जाता है। बाइक पे सवार 2 लोग थे, वो बाइक पे इधर इसी रोड से आए हैं समस्तीपुर होते हुए और 10 लोगों को गोली मारी है, जिसमें से जो पीछे बैठा तो लगातार गोली चला रहा था, एक की मौत हो गई है। यहाँ पे भी गोली चलाया गया। हम NH-31 का ये जो दुकान है, पान दुकान, यहाँ पे भी जो अपराधी था बाइक पर पीछे बैठा हुआ था उसने गोली चलाया है। देखिए, गोली उसने चलाया है तो उसका सबूत भी यहाँ पे है। काउंटर में गोली लगा है और काउंटर में गोली उस तरफ पार करके, देखिए काउंटर में यहाँ पे गोल छेद हुआ है, यहीं पर अपराधियों ने यहाँ पे गोली मारा था तो गोली इधर से यहाँ लग के पार हुई है। और ये आपको हम बाल्टी दिखा रहे हैं, ये बाल्टी जो है यहाँ काउंटर के अंदर में रखा हुआ था, अंदर में रखा हुआ था। देखिए, ये बाल्टी में भी गोली लगा है, यहाँ से घुसा और यहाँ अंदर लग के गोली उस पार निकल गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति को गोली लगी है और इससे आगे बढ़ने पे भी जो अपराधियों हैं उन्होंने फायरिंग की है, तो फायरिंग करते हुए जा रहे थे, जो रास्ता में मिल रहा था उसको गोली मारी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन लोगों को साइको किलर ने गोलियों का निशाना बनाया उनमें से कोई फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी, कोई आइसक्रीम बेचने वाला, कोई पंचायत सदस्य, कोई पान बेचने वाला, कोई गाय पालने वाला, कोई गैस एजेंसी का ड्राइवर। मतलब ये कि जिन लोगों पर गोलियां चली वो सभी आम लोग हैं। और इससे एक बात तो साफ है कि टारगेट करके गोलियां नहीं चलाई गई थी, जो सामने आया उस पर फायरिंग कर दी गई। अक्सर ऐसा पबजी गेम में देखने को मिलता है, जो बेगूसराय में रियल में देखने को मिला है। बदमाशों का जो CCTV सामने आया है उसका वीडियो विश्लेषण करें तो काले रंग की बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट लगाए हुए दिख रहा है, सफेद रंग की टी शर्ट पहना हुआ है, जबकि पीछे बैठा बदमाश जो गोलियां चला रहा है उसने सफेद रंग के गमछे से चेहरा छिपा रखा है। ऑटोमेटिक पिस्टल से पहली गोली गोधना गांव में चली और फिर आखिरी गोली मल्हीपुर में चलाकर बदमाश पटना की तरफ भाग निकले। हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला है और हमारे जिलों के अंदर जहां भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह CCTV फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है। CCTV फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी 4 टीमों को आदेश दिया है कि जितने भी लोग अभी जेल से छूटे हैं उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पे छापेमारी अभी भी चल रही है। मंगलवार को जिस वक्त बेगूसराय गोलियों से दहल रहा था, ठीक उसी वक्त यहां से 125 किलोमीटर दूर पटना में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की प्लानिंग में जुटे थे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार से पटना में मंगलवार की शाम को प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। जिस वक्त नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना संजो रहे थे उस वक्त बेगूसराय के सपनों पर साइको किलर गोलियां चला रहा था।
नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़कर 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो बिहार में अपराधी सत्ता को चुनौती देकर सरेआम पिस्तौल से गोलियां चलाकर सुशासन का सीना छलनी कर रहे हैं। आज तो हमने बाजाब्ता बैठक बुलाई है और एक एक चीज की जानकारी लेने के लिए कि कहां पर क्या हुआ है, तो साहब सब जगह देखना है और किस तरह से कहां पर हुआ है ये भी पता चला है, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। वो सब पिछड़े वर्ग के हैं। अच्छा। और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो इस तरह से करके कोई ना कोई धंधा जरूर किया। और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। अब बेगूसराय कांड के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर है और नेता कह रहे हैं कि जंगल राज आ चुका है। वो जंगल राज कहते थे पहले हम लोगों के साथ, अब उसकी परिभाषा बदल दिए हैं, क्योंकि जंगल राज कहेंगे तिनके मुखौटों को भी उतार देगा आरजेडी, इन्हें गद्दी का मोह है। आज वो कह रहे हैं जनता का राज है, थाने से अपराधी को पुलिस के हाथों से छुड़ा ली जाती है, निर्दोष लोगों को गोलियां मार दिया जाता है, और फिर भी कहते हैं जनता का राज है कि परिभाषा बदल दिया है जंगल राज का। जिस तरह से अपराधी 30 किलोमीटर तक चार थाने के होते हुए गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, कोई मंत्री वहां गया नहीं, किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई, दिखाता है कि बिहार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में चरमरा चुका है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने बेगूसराय अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। पुलिस कप्तान ने इस मामले में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है और आसपास के जिलों में नाकेबंदी कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।